Hi friends, this is Nitin Nair and welcome to my channel Runner and Rider. So welcome back friends on our trip to Malshej Ghat. And as you can see, अभी फ़िलहाल हम लोग कल्याण के भीड़ भाड़ से बाहर आ चुके हैं और अब यहाँ से लेकर मालशेज घाट का पूरा जो स्ट्रेच है, जो एक 60-70 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है. दोनों तरफ ग्रीनरी है, रोड बहुत अच्छा है. यहाँ अगेन एज वी कैन से कि ट्रैवलिंग करने, ड्राइव करने बहुत बहुत मज़ा आने वाला है. और अब यहाँ से एक्चुअली रायते शुरू हो जाता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस अल्फा ट्रेल चैलेंज भी होता है, बस थोड़े से ही दूर पे है. एंड ये जो आप लेफ्ट साइड में जो रिवर देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है. इस ब्रिज के ऑपोजिट में ही हॉरिजॉन स्कूल है और यहीं से हमारा जो अल्फा ट्रेल चैलेंज है वो शुरू होता है. दैट इज़ नेक्स्ट मंथ एंड वी विल बी कमिंग हियर. यार हरीश, मौसम बन चुका है यार, बारिश कभी भी हो सकती है यार. मज़ा तो आएगा लेकिन पूरा भीग के जाना पड़ेगा यार. चलो ठीक है, विंडशीटर्स रेडी. कोकोड़े. सो अभी हम कोकोड़े पहुंच चुके हैं. अब यहाँ से मालशेज कितना दूर है? यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी पे है मालशेज का. और सब मजा प्लेट ना, ये तुम्हारा प्लास्टिक. या नो प्लास्टिक, कंप्लीट इको फ्रेंडली. ऐसा ब्रेक लिया है मालशेज घाट. यहाँ से कुछ अभी एक 10-15 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं. एंड देयर इज हरीश, ही इज रियली एंजॉइंग. एक्चुअली उनका फर्स्ट ट्रिप है एंड हिल मैराथन का पहला ही है. सो यू कैन सी बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा नदी है यहाँ से जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगा इसलिए रुक गए यहाँ पर. तो एक फोटो खींचने हो जाएगा. दोनों तरफ है, ब्रिज के इस तरफ भी है. देयर यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल. हरीश भाई, फोटो सेशन हो गया. जगह के बारे में क्या बोलते हैं, कैसा लगा? जगह बहुत ज्यादा ही प्यारी है. वादियाँ ही वादियाँ, हरियाली ही हरियाली. और सबसे अच्छी बात, आप रेस्टोरेंट में बहुत प्यारी. बहुत क्लीन रास्ता है. सो आई थिंक सो बारिश बढ़ रही है, जाने का टाइम आ गया है. या हेलमेट, माय लाइडिंग, इट्स सेफ्टी. अगेन सेफ्टी का भी ब्रांड एम्बेसडर. चलो या लेट्स गो. Thank you.
यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है कितना किलोमीटर बस सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है एंड यू कैन सी द फॉग देयर एक सेकंड आपको बताता हूँ वाह यू कैन सी द फॉग देयर हरीश अब क्या बोलते हो आई एम एंजॉयिंग क्या चल रहा है इंडिया में मालशेज घाट मालशेज घाट में फॉग चल रहा है विद हैवी रेनफॉल यहां रन करना है रन या विल बी रनिंग रन या दिस इज चैलेंजिंग द कैमरा शेक इज नॉट बिकॉज़ नहीं नहीं क्योंकि एक्चुअली मेरा हाथ काफी भीग चुका है यू कैन सी माय हैंड बहुत चिलिंग एनवायरनमेंट एकदम ठंडा है और जब से हम लोग ड्राइव करें तब से कंटिन्यूस ही बारिश है एज वी लेफ्ट कल्याण राइट ना यस जब से हमने कल्याण छोड़ा तब से लेकर वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन हार्डली कुछ एक 8 किलोमीटर बाकी है बट बारिश देखने का नाम नहीं ले रहा है एंड यू कैन सी माई हैंड्स पूरा कैसे हो चुका वो कैन सी भैया आपका कुछ नथिंग नहीं ओके ओके सो लेट्स That's See wrong. You at Malshej Ghat. See you at Malshej Ghat. या नाउ वी आर एक्चुअली ऑन टॉप ऑफ मालशेज घाट हम करीब करीब घाट के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहां पे आप जो ये सारी गाड़ियां देख रहे हैं तो लोग यहां पे दूर दूर से आते हैं यहां रुककर फ़ोटो सेशंस वगैरह करते हैं चिल आउट करते हैं ठीक है और इतने ठंडी में इतने बारिश में आपको यहां पे खाने के लिए भैया गरम गरम भुट्टे मिलेंगे आपको भजिया मिलेगा आपको गरम गरम चाय मिलेगा यू कैन कम विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स यू कैन हैव अ नाइस आउटिंग है ना बहुत अच्छा जगह है मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हर उन लोगों से जो यहाँ पे पहले नहीं आए हैं तो प्लीज़ आइए आके इस एनवायरनमेंट का मज़ा लीजिए इट्स वेरी गुड यार यहाँ पे देखने लायक यार इतना सारा चीज़ है कि मतलब क्या कर क्या बोले मतलब बहुत खूबसूरत होता है यार एंड इवन यहाँ पे जो बहुत सारे बहुत छोटे मोटे वाटरफॉल्स है यू कैन टेक अ डिप भीग सकते हो फोटो सेशन करो एंजॉय करो बहुत अच्छा है सो अभी मैं मालशेज के MTTC रिजॉर्ट में हूँ सो एक्चुअली आई गॉट बट देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स नहीं है हरीश भाई क्या करें रूम का यहीं पे टेंट लगाते हैं सर और रहते हैं पूरे मौसम का मजा लेते हैं इंश्योरेंस हमने करवा रखा है राइट और उसका आज पेबैक का टाइम आ गया है यार आई एम श्योर सो बस वेदर आप देख सकते हैं इट्स चिलिंग इट्स चिलिंग सो पक्का यहीं पे सोना यस यहीं सोते हैं टेंट लगाते हैं एंड हमने तो दो तीन एपिसोड दे रखे आई शुडंट बी अलाइव के सो छोटा सा ब्रोशर दिया है सो शायद वहाँ पे And we are going there. चलो चलो. Let's find out the place. तो शायद actually यहाँ पे पूरे rooms book हैं. So actually we have no rooms here. अब हरीश हमको room ढूँढ के देगा. मैं तो driver आदमी हूँ मैं तो गाड़ी चलाऊँ. साहब कहाँ चलना था? सो फाइनली गाड़ी जा रही है बहुत कोशिशों के बाद हमको फाइनली एक रूम मिल गया सो नाउ इट्स 7:30 एंड वी हैव बॉट अ स्मॉल ढाबा छोटा सा ढाबा है बस वहीं पे खाएंगे आई विल बी टेकिंग वेज
they will be taking non veg. As the priority change ho gaya abhi. And bas khana khana tha dekhte the order mein kya mera veg mutton aur non veg rice hai aur iska veg चपाती चपाती की भाकरी है चपाती मग दो चपाती मला राइस ऑर्डर तो सुन लिया ऑर्डर तो सुन लिया ऑर्डर तो सुन लिया ये जो डिसीजन हमने स्पॉन्टेनियस लिया मालशेज घाट आने का अब लग रहा है कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया. यहाँ का जो वेदर है अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग. और हम होप कर रहे हैं कि ये वेदर कंटिन्यू रहे कल तक. जो हमारी रेस है हमें और चैलेंजेस मिले इस रेस से कि हम इस चैलेंज को ओवरकम करके अपने आप को और इसके लिए सबसे बेस्ट. अभी ये सोचा जा रहा है कि हम सो जाए बिकॉज 8 hours sleep at least 7 to 8 hours. Yes, this is very important. We are rocking tomorrow. We'll be rocking tomorrow. Yes, definitely. So, good night and sleep tight. Good night and sleep tight. Good night and sleep tight. Okay, fine. We'll see you for tomorrow's race. Sure. Sure, bye. Night. तो फाइनली मालशेज घाट रन एक्चुअली हो गया है स्टार्ट एंड एज यू कैन सी ऑल गाइज आर रनिंग. और सुबह हो चुका है लेकिन मींस फॉग अभी भी है और कभी आता है कभी जाता है एंड रोड भी काफ़ी भीगा हुआ है एंड इट्स अ गुड रन आई थिंक. सो अब यहाँ से एक्चुअली हमको 3 kilometers स्ट्रेट जाना है एंड उसके बाद हमको एक लेफ्ट टर्न लेना है और वहाँ से पूरा ऑफ ट्रैक रनिंग है. इट विल बी फुल ऑफ मड एंड ऑल, पत्थर होगा, मिट्टी होगा, ऐसे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होंगे और बहुत मज़ा आएगा. सुबह से 3 kilometers जो है वो सीधा है. हरीश गाँव, हरीश कम 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 बकअप मैन, कैन डू इट, कमन 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 कमन, फास्ट 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 फास्ट, आ जाओ आ जाओ. एंड बस आ जाए, कैमरा ज़रा पास ओवर कर दूंगा हरीश के पास सो दैट ही कैन ऑल्सो शूट मी. लो भैया संभाल गया, संभाल गया, बाय, ठीक है, हैव अ गुड रन. या small village on the left hand side and yeah right view hai and there you can see khet hai, chota sa ghar hai. It's very beautiful yaar, mountains ke beech beech bahut sahi lag raha and it's 6:15 and you can see headlights are still on. Fog bahut sa fog hai yaar, lekin phir bhi visibility kafi clean hai. There you can see अब जो ये 3 kilometers का जो स्ट्रेच था ये होने वाला है ख़त्म और यहाँ से हमको एक लेफ्ट लेना है. हाई वॉलंटियर्स, ग्रेट गोइंग मैन, नाइस जॉब, नाइस जॉब. एंड नाउ एज यू कैन सी ये मड ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और एक्चुअली रात भर से जो बारिश हुआ है उसके कारण ये और फिसलन भरा हो चुका है. इट्स क्वाइट स्लीपरी आउट हियर, पत्थर है, कीचड़ भी है, मिट्टी है, सब चीज़ें, मज़ा भी आ रहा है. थोड़ा संभाल के दौड़ना पड़ेगा अदरवाइज एंकल इंजरीज होने का चांसेस बहुत हैं एंड डिफ़िकल्ट है बट दैट्स अ पार्ट ऑफ अ चैलेंज ना. चैलेंज लेने में अपना एक अलग ही मज़ा है, राइट? सो वी आर हियर फॉर द चैलेंज एंड वी आर कंप्लीटेड. और ये पूरे 4 kilometers का स्ट्रेच ऐसे ही हमें दौड़ना है और उसके बाद आगे हमें एक
राइट टर्न लेना है, अगेन वहाँ से 2.5 किलोमीटर जाना है, देन वी हैव टू टेक अ यू टर्न. ओहो पानी 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 पानी, संभाल के संभाल के, ये पूरा रास्ता ऐसे ही होने वाला है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो हियर राइट में कोई एक बहुत बड़ा सा एक नदी है आई थिंक सो. फिलहाल पानी तो बहुत कम लग रहा है, एंड हम एक्चुअली जिस पे भाग रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली अ मड डैम. ये पत्थरों और मिट्टी से बनाया गया एक पुराना सा बड़ा सा डैम है. एक्चुअली वी आर रनिंग ऑन द डैम इटसेल्फ. या फ्रेंड्स, ये है वो चैलेंज जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था. इट्स फन. एंड हियर हरीश, यू कैन सी हरीश येलो टी शर्ट, ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम देयर रनिंग. इनका पहला ही रन है एंड ही इज एंजॉयिंग अ लॉट. हरीश संभाल गए, संभाल गया हरीश. या गुड गुड गुड, ग्रेट गोइंग ब्रो, ग्रेट गोइंग. हाँ सही है सही है, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो. फाइन फाइन फाइन, गुड गुड. हाँ हाँ, आई नो यू आर एंजॉइंग. कमान कमान कमान, संभाल के संभाल के. गुड गुड. या एंड बस दिस क्वाइट बिट ऑफ चैलेंज. माँ बचपन में कीचड़ में खेलने से, पानी में जाने से मना करती थी, अब यहाँ पर कौन रोकेगा. वैसे भी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं. इट इज़ ग्रेट फन मैन. हरीश थोड़ा थोड़ा मेरा भी फुटेज. हेलो भैया, थोड़ा मेरा भी, थैंक यू. हाँ बोरा लेना भैया. गाइस लुक एट द रनिंग सरफेस, ना राइट में जगह है ना लेफ्ट में जगह है, भागने का बस यही जगह है. यू हैव टू रन थ्रू द पुडल मैन. पानी के बीचों बीच आपको भागना ही पड़ेगा. पानी क्या है, कीचड़ वाला पानी है. हाँ थोड़ा रास्ता मिला, फाइन. चार दिन की चांदनी है, फिर काली रात है, फिर पानी है, भागो कमान. So having a lot of fun running through the puddles and mud, everything man. आप लोगों को भी रन करना चाहिए. There will be lots of monsoon runs throughout this season till June to September, August, September. So guys please participate in these kinds of run. These are actually very different kind. यार बहुत अच्छा लगता है. द नॉर्मल टार रोड भागना, वही कॉमन सर्फिस, ये थोड़ा सा बिट चैलेंजिंग होता है, बट अगेन एडवेंचर और फन के लिए इतना तो बनता है बॉस, है कि नहीं. सो थोड़ा ट्राई कीजिए, मैक्सिमम रन्स में पार्टिसिपेट कीजिए एंड गेट द फील ऑफ द एनवायरनमेंट मैन. सो सी यू सून. बस अब रेस ख़त्म ही होने वाला है. वी विल सी यू एट द venue. Bye bye bye. So friends, finally I have managed to reach the finishing point. So for the 21 kilometer I ran, I took about 2 hours 25 minutes approx, and the finish line is nearing MTDC resort. Yeah, I can finish. Thanks bro, thanks a lot. Yeah, near about to finish the run. Oh, great feeling, man. That's the end. Feeling of accomplishment. Wow. हमारा रन एक्चुअली हो गया कंप्लीट, राइट. सो वी हैव डन इट अंडर 2:30 एंड यस, दिस इज आवर मेहनत वाला मेडल. फर्स्ट आई थिंक यू मुझे लगा कि ब्रीदिंग
हेडिंग से ज़्यादा यहाँ का जो सरफेस है वो चैलेंज यहाँ पर जो 5 से 7 किलोमीटर का पैच आप उसमें पेस पकड़ नहीं सकते टाइमिंग डजंट मैटर लाइक वी आर कंप्लीटली और मैंने बोला था मौसम बेमान नहीं हुआ मैंने मेरे टारगेट के अंदर किया बस 2:30 सो फाइनली एंजॉय द रन नाउ द सेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑन सो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन So, बहुत मजा आया लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टाइम दैट इज अल्फा सो अल्फा पे रहोगे मेरे साथ हां श्योर पक्का बॉस से छुट्टी मिला तो थैंक यू वेरी मच